जो भी छात्र इस क्लास में उपस्थित हैं सभी के लिए धन्यवाद, वेलकम क्लास में, ठीक है। और आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वही चैप्टर जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कई दिनों से उस चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे, वायुमंडल का संगठन और उसकी संरचना। तो जो इसमें मेन मेन चीज़ें हैं वो हैं, वायुमंडल किसे कहते हैं उसकी हम परिभाषा बता चुके हैं। वायुमंडल की परिभाषा कोई बताएगा? हेलो, मैंने क्लास में कई दिन बता चुका हूँ, कोई बता सकता है क्या? हेलो ऋषभ, हेलो, चलो कोई मत बताइए, तुम मेरे को मालूम नहीं बताओगे। हाँ बता। जी, अच्छा, और कोई बताएगा, और कोई बता सकता है क्या? नहीं बताएगा, चलो कोई बात नहीं है, शुरू करते हैं, मैं ही शुरू करता हूँ। देखिए, वायुमंडल से तात्पर्य है हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले अनेक गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की गैसें जो मानव पर उपयोगी हैं, जल वाष्प, धूलकण, ये सभी आते हैं। ठीक है, एक बार और दोबारा सुन लीजिए, हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए विभिन्न गैसों के गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं, जिसमें अनेक प्रकार की गैसें, धूलकण, जल वाष्प आते हैं। यूँ तो वायुमंडल 29 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसमें मुख्यतः सर्वाधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन गैस, जिसकी मात्रा लगभग 78% है। और दूसरे नंबर पर जो गैस पाई जाती है वो है ऑक्सीजन गैस, जिसकी मात्रा 21% के समथिंग पाई जाती है। इसके अलावा आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अनेक हल्की गैसें हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि वो वायुमंडल है उसमें परतें कौन कौन सी पाई जाती हैं। हम क्लास में कई दिन इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज दोबारा से ऑनलाइन माध्यम से इस चैप्टर पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से परतें हैं वायुमंडल में जो हमारे मानव उपयोगी सिद्ध हो रही हैं, जिनके कारण इस धरातल पर, पृथ्वी पर जीवन संभव है। उनके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या विशेषता हैं, किस ऊंचाई तक कौन सी परत पाई जाती है, ये सब कुछ आज हम इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए, क्या अटेंडेंस मेरे पास स्क्रीन पर सब दिखाई दे रहा है, अटेंडेंस कौन सा लड़का ऐड है कौन सा नहीं है सब है, इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो सबसे जो पहला है वायुमंडल की जो परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल। क्या नाम है? हाँ जी बिल्कुल, क्षोभ मंडल। क्लास में मैं कई दिन इस पर चर्चा कर चुका हूँ, इसकी विशेषताओं पर चर्चा कर चुका हूँ, यदि किसी बच्चे को मालूम है तो बताएगा कोई? है कि जो क्षोभ मंडल है या क्षोभ परत है उसकी विशेषताएं पे मैं क्लास में कई दिन चर्चा कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, कोई बता सकता है क्या क्या विशेषताएं इसकी? हाँ बिल्कुल सही बात, और कौन बताएगा? हेलो,
हाँ सत्यम बोल। बिल्कुल सही। और बोलिएगा। हाँ महाकाल कौन है? जय महाकाल। हेलो। चलो अब शांत हो जाइए, सभी अपना स्पीकर को बंद कर लें, माइक को। और मैं बताने जा रहा हूँ इसकी विशेषताएं। देखिए, लिखना चाहें आप नोटबुक लेके बैठ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। मैं आराम से रिपीट बाई रिपीट करके बता रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। जो क्षोभ मंडल है उसकी प्रमुख विशेषता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक की जो परत है यानी मंडल है, उसे क्या कहते हैं? हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। हाँ बिल्कुल। जो इसकी औसत ऊंचाई है धरातल से वो कितनी है? 13 किलोमीटर। कितनी? हाँ बिल्कुल। लेकिन ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, वो अलग अलग पाई जाती है। जो विषुवत रेखा पर है इसकी सर्वाधिक हाइट पाई जाती है, कितनी पाई जाती है कोई बताएगा? मैंने बताया था क्लास में। विषुवत रेखा पर इसकी हाइट पाई 18 किलोमीटर। कितनी? और ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर पाई जाती है। और जब हम इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं तो हमारी एवरेज ऊंचाई निकलती है। जो पृथ्वी से क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो एवरेज ऊंचाई हमारे पास आ जाती है, यानी 13 किलोमीटर। इसमें सभी प्रकार के, ये क्षोभ मंडल में सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन होते हैं, इस कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। अब एक प्रश्न आ जाए आपके पास सामने कि क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं, तो इसका रीजन है, यहाँ पर सभी प्रकार के क्या होते हैं? मौसमीय परिवर्तन होते हैं, वायुमंडलीय परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? हम परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते जाना जाता है। एक इसकी विशेषता मैंने बताई थी कि इसमें ऊंचाई के साथ जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, यानी गिरता है। क्या होता है? ऊंचाई के साथ जाते हैं जब टेम्परेचर गिरता। हाँ, तो कितनी उसकी दर है? 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये तो रही क्षोभ मंडल की विशेषताएं जो मैंने अभी बताई थी। आशा है सभी लड़कों ने सुन लिया होगा, उनके दिमाग में ये एंट्री कर गई होंगी और लिख भी लिया होगा, ठीक है ना। और कुछ इसको रिपीट करना है कुछ? चलो एक बार और मैं कर देता हूँ, एक बार रिपीट और कर देता हूँ। सभी अपना स्पीकर माइक को बंद करें पहले। 8वां चैप्टर। तो सभी स्पीकर माइक बंद करें, मैं एक बार रिपीट जल्दी जल्दी इसको रिपीट कर रहा हूँ। क्षोभ मंडल को, क्षोभ मंडल हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक मंडल है। नंबर एक, इसकी औसत ऊंचाई पृथ्वी से 13 किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर 18 तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है। इसमें सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन होते हैं, इसलिए हम इसे परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। और जो आखिरी पॉइंट है इसका कि 165 डिग्री की ऊंचाई पर जैसे हम इसमें जाते हैं, ऊंचाई के साथ टेम्परेचर डाउन होता है, तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद करते हैं हम दूसरे मंडल यानी दूसरी परत, वायुमंडल की जो दूसरी परत है उसके बारे में बात करें चालू। ओके, देखिए दूसरा जो मंडल है उसका नाम है समताप मंडल, ठीक है। पहले जब हम पढ़ते थे तो इसको 2 मंडलों में अलग अलग बांट कर पढ़ा जाता था। एक होता था समताप मंडल और दूसरा होता था ओजोन मंडल। मैंने क्लास में इस पर चर्चा भी की थी, लेकिन 11th क्लास की वर्तमान जो पुस्तक है उसमें इन दोनों मंडलों को कंबाइन करके और एक ही मंडल के रूप में पढ़ा जा रहा है। ओजोन मंडल और समताप मंडल को कंबाइन कर दिया गया है और वो समताप मंडल के नाम से इसमें दिया गया है। जैसा कि समताप मंडल का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो है सम प्लस ताप, यानी जिस मंडल में टेम्परेचर लगभग एक समान रहता है, बराबर रहता है, उसे क्या कहते हैं? हम समताप मंडल कहते हैं, ठीक है।
दूसरा नंबर है जो धरातल से नंबर दो लेवल की जो परत है, दूसरे नंबर की जो परत है वो क्या नाम से जानी जाती है? समताप मंडल के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। इसकी एट प्रेजेंट जो बुक है उसमें लगभग 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई दे रखी है, लेकिन औसत यदि इसकी वास्तविक ऊंचाई की बात करें धरातल से तो 32 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है समताप मंडल की, लेकिन जो वर्तमान पुस्तक है 11th क्लास की इसमें इसकी 50 किलोमीटर ऊंचाई दे रखी है। उसके पीछे रीजन ये है कि इसमें ओजोन मंडल को भी कंबाइंड कर लिया गया है, इसके कारण जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है? 50 किलोमीटर दे रखी है, ठीक है। हेलो, देखिए समताप मंडल है वो वायुयानों के लिए आदर्श स्थितियां पैदा करती है, इसमें किसी भी प्रकार का मौसमी परिवर्तन नहीं होता। जैसे क्षोभ मंडल में सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन वायुमंडल में परिवर्तन होते थे, उसी तरह इससे जो समताप मंडल है इसमें किसी भी प्रकार का मौसमी परिवर्तन या वायुमंडलीय परिवर्तन नहीं होता। ना तो यहाँ पर आंधी आती है, तूफान, वर्षा यानी बिजली का तड़कना, ये कुछ भी नहीं होते जो क्षोभ मंडल में होते थे। इसमें कुछ भी प्रकार का नहीं होता, इसलिए ये वायुयानों के लिए आदर्श दशा उत्पन्न करता है, पैदा करता है, और वायुयानों के लिए इसी मंडल में वायुयान उड़ते हैं। हेलो, और जो इस समीर अली लेफ्ट क्यों हो गया है? हाँ, इसकी जो ऊपरी परत है, अच्छा, कोई बात नहीं। और जो इसकी ऊपरी परत समताप मंडल के जो ऊपरी परत है वो इसमें समताप मंडल में ही आती है, उसे हम ओजोन लेयर के नाम से भी जानते हैं। किस लेयर के नाम से जानते हैं? ओजोन लेयर के नाम, हाँ जी, ओजोन लेयर के नाम से। और ओजोन जो लेयर है यानी समताप मंडल का एक भाग है, इसमें एक गैस पाई जाती है, उसका नाम है O3 यानी ओजोन गैस। क्या नाम पाया जाता है? हाँ जी, इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर के एक नई गैस का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं ओजोन गैस यानी O3 गैस, ठीक है ना। हाँ, इसका काम क्या है? देखिए इसका काम है जो सूर्य से जो आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणें हैं, ये उनको अपने पास ही रोक लेती है और हमें छानने का काम करके हमें जो हमारे लिए मानव के लिए जो उपयोगी किरणें होती हैं उन्हें ही धरातल पर भेजती है। लेकिन मानव के अंधाधुंध पॉल्यूशन की वजह से, क्रियाकलापों की वजह से पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर जो इसकी लेयर थी वो कैसी हो गई है? कमज़ोर हो गई थी, जिसके कारण धरातल पर वो पराबैंगनी किरणें दोबारा से आने लग गई और अनेक तरह के रोगों का इसमें धरातल पर होने लगे। हेलो, सभी सुन रहे हैं ना? और लिख भी रहे हैं कि नहीं लिख रहे? हाँ, लिखना है सभी को, है ना। तो देखिए जो ये है वो समताप मंडल है, इसमें जैसे समता है वो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर डाउन होता था, इसी तरह से जो आपका ये है समताप मंडल है इसमें क्या होता है? ऊंचाई के साथ टेम्परेचर में क्या होता है, मैंने कल बताया था। हाँ, इसमें बढ़ता है, इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, ऊंचाई के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, कौन कौन बताएगा? हेलो, अब मेरे को ये बताइए, मैंने दो मंडलों की चर्चा की, दोनों मंडल कंप्लीट सभी के लिए? कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलो मैं आपको एक इसका चित्र बताता हूँ। देखिए ये दिखाई दे रहा है ना, देखिए क्षोभ मंडल दिखाई दे रहा है ना, उसके बाद समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, उसके बाद आयन मंडल है और उसके बाद वायु मंडल है, दिखाई दे रहा है ना। चलो कोने में अपनी
अब तीसरे मंडल की बात करते हैं, अब तीसरे मंडल की बात करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब तीसरे मंडल की बात करते हैं। अब कौन सा आ गया? एकलव्य आवाज इतने लेट आया कि नहीं भगाएंगे, नहीं कल से ये टेम्पर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा मंडल की हम बात करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और समताप मंडल में आने वाला ओजोन मंडल, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य मंडल। देखिए इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 80 किलोमीटर है, कितनी है 80 किलोमीटर है। और जैसे ही देखिए क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान गिरता था, समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता था, और इस मंडल में क्या होगा, ऊंचाई के साथ तापमान में फिर गिरावट आएगी। इसको याद रखना, क्षोभ मंडल में गिरता है, समताप मंडल में बढ़ता है, और फिर मध्य मंडल में टेम्परेचर क्या होता है, ऊंचाई के साथ घट जाता है। और जो यहाँ पर जो इतना गिर जाता है, -100 डिग्री तक टेम्परेचर घट जाता है। जो मध्य मंडल है उसमें कितने डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाता है, -100 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाता, हाँ जी ठीक है ना। और जो इसकी ऊंचाई है, मैंने अभी बताया सर, इतनी 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे मंडल की, हाँ जी आयन मंडल की। देखिए आयन मंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी पाई जाती है, 400 किलोमीटर तक आयन मंडल की ऊंचाई पाई जाती है। जो आयन मंडल है इसमें प्लस और माइनस के रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। जितने भी हमारे जो धरातल है इसमें जितने भी टेलीविजन है, नेटवर्क ये है, और ये धरती से जो मानवीय उपग्रह हैं वो जितने भी छोड़े जाते हैं वो आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। नंबर एक, कोई प्रश्न पूछे आपसे कि जो मानव निर्मित जो उपग्रह हैं वो कौन से मंडल में स्थापित किए जाते हैं, तो उसका कौन से मंडल है, वो आयन मंडल है, ठीक है ना। हाँ, और वहाँ पर ये स्थापित होकर के धरती पर काम करते हैं। जितने भी हमारे नेटवर्क हैं, मोबाइल हैं, सेलफोन है, टेलीविजन है, ये सब आयन मंडल के कारण ही कार्य करते हैं, क्योंकि हम प्लस और माइनस तरंगें पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो अंतिम, इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होता है, इसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है, क्षोभ मंडल में जो होता है उसका अगले मंडल में उसका विपरीत होगा, फिर अगले मंडल में उसका विपरीत होगा, उसके मंडल होगा, यानी आयन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। देखिए दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए सभी सुनिए। देखिए क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान गिरता है, समताप मंडल में तापमान बढ़ता है ऊंचाई के साथ, मध्य मंडल में तापमान घटता है, और आयन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। हाँ, इनकी ऊंचाई में एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है, समताप मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर है, मध्य मंडल की 80 किलोमीटर है, और आयन मंडल की ऊंचाई है वो 400 किलोमीटर है। और जो 400 किलोमीटर से जो ऊपर है, जिसके बारे में अभी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भी पता पाए हैं कि उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना, उसे क्या किस नाम से जाना जाता है, उसे भाइय मंडल के नाम से जाना जाता है। किस मंडल के नाम से जाना जाता है, भाइय मंडल के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पाया जाता, हाँ। तो ये आज आपका चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। और जो भी मैंने पढ़ाया है उसका जो चैप्टर को दोबारा से, इस वीडियो को मैं भी अपने यूट्यूब पर इसको अपलोड करूँगा, जिन्होंने नहीं देखा है वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। जिन बच्चों ने भी नहीं देखा है वो यूट्यूब पर मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, मैं ग्रुप पर उसका लिंक भेज दूँगा। हाँ बिल्कुल, ओके। और इसको बेवकूफों, तुमसे अच्छे तो छोटी क्लास के हैं, देखो वो शेयर भी करते हैं ग्रुप को,
है ना, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, आप भी कर करो और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना। हाँ ओके, तो कल जैसे ही दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे हम आपको लिंक भेजेंगे, और जो छात्र हैं सभी से कहिए कि वो इस क्लास को अटेंड करें, ठीक है ना। तो बंद करें, ओके, गुड आफ्टरनून।